जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपकी टिकट चेक होती है। कई बार प्लेटफॉर्म पर भी आपको टिकट चेकर मिल जाते हैं जो प्लेटफॉर्म टिकट की जांच करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे में टिकट चेक करने का काम TTE और TC दोनों का काम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों का काम किस तरह से अलग अलग होता है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर TTE की बात करें तो जब ट्रेन में सफ़र के दौरान कोई टिकट चेक करता है तो उसे TTE कहा जाता है। जैसे अगर आप सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में रास्ते के दौरान जिसका टिकट चेक करने का काम होता है उसे TTE कहा जाता है। TTE का काम टिकट चेक करना, ID देखना, यात्री सही जगह बैठे हैं या फिर नहीं, या फिर यात्रियों को सीट मिली है या फिर नहीं, या फिर यात्रियों को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब देखना होता है। अब सवाल ये है कि आखिर टिकट चेकर यानी TC कौन होता है? दरअसल TC भी टिकट ही चेक करते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र अलग होता है। जिस तरह TTE ट्रेन में यात्रा के दौरान टिकट चेक करते हैं और उसी तरह TC प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करते हैं। इनका काम ग्राउंड लेवल पर होता है और ये छोटे स्थानों के यात्री और प्लेटफॉर्म टिकट चेक करते हैं। लेकिन अगर दोनों की पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट एक ही होता है, एक ही कैडर की रैंक है और दोनों एक ही होते हैं। एक कर्मचारी को जब ट्रेन में यात्रा के दौरान ड्यूटी पर लगा दिया जाता है तो उसे TTE कहा जाता है। जब यही व्यक्ति ग्राउंड पर काम करते हैं तो उसे TC कहा जाता है। ये शिफ्ट के आधार पर तय करता है कि कौन TC है और कौन TTE। ये एक ही स्टाफ होता है और ड्यूटी के हिसाब से ये बदलता रहता है। आई होप आपको TTE और TC के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।